नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लखनऊ की खबर के साथ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम ने दवा किट वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बच्चों के लिए मेडिकल किट वितरण का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी अभी से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ सेकेंड वेव, जो दूसरा वेव था संक्रमण का, उसमें काफी कमी आई है, और इन सब के बीच तीसरे वेव की तैयारी अभी से यूपी सरकार की ओर से शुरू कर दी गई है। और जिस तरीके से अंदेशा लगाया गया है, जैसा विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो थर्ड वेव होगा उसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात और सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसी के मद्देनजर तीसरे लहर की तैयारी शुरू हो गई है। कई जिलों में कोरोना केस इस वक्त आने बंद हो गए हैं। यूपी में कोरोना तेजी से कंट्रोल हुआ है और ये पूरी कवायद है वो टीम वर्क के कारण हुई है। टीम वर्क से हर लड़ाई जीती जा सकती है। उन्हीं जिलों में उत्तर प्रदेश के कोई भी नया संक्रमण का मामला दर्ज नहीं किया गया है, और इन सब के पीछे बेहतरीन प्रबंधन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 3T फॉर्मूले से यह कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से लगातार उत्तर प्रदेश सरकार अच्छा प्रदर्शन कर पाई है। यूपी का मॉडल देश और दुनिया के सामने है। पीकू वार्ड जल्दी से जल्दी उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। निगरानी समितियां बहुत अच्छा काम कर रही है। ये वही निगरानी समितियां हैं जिसका जिक्र WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया था और उसकी तारीफ भी की थी। और यही निगरानी समितियों के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका गया। उन्नीस अप्रैल से लेकर के 23-24 अप्रैल के बीच में इसी लखनऊ में 6,200 पॉजिटिव केस प्रतिदिन आए थे, और 6,200 एक दिन में पॉजिटिव केस आ रहे थे। आज लखनऊ में कुल 19 पॉजिटिव केस आए हैं, और एक्टिव केस लखनऊ के हजारों में पहुंच गए थे। आज उनकी संख्या मात्र 415 रह गई है। ऐसे ही प्रदेश के अंदर सभी जनपदों की स्थिति है। कुछ जनपद तो ऐसे हैं, आज 19 जनपद ऐसे हैं जहां पर एक भी पॉजिटिव केस नहीं आया है। 45 जनपद ऐसे हैं जहां पर केवल सिंगल डिजिट में पॉजिटिव केस आए हैं, और कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर एक्टिव केस एक रह गया है। एक जनपद ऐसा है जहां एक्टिव केस मात्र एक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बच्चों को यह बड़ी सौगात दी है, और मेडिकल किट का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जहां दूसरा वेब कंट्रोल में इस वक्त नजर आ रहा है, वहीं तीसरे वेब की तैयारी यूपी सरकार ने अभी से कर ली है। पीकू वार्ड स्थापित करने की दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। बच्चों को लेकर विशेष तौर पर सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि जो तीसरा वेब होगा उसमें विशेषज्ञ ये मानते हैं कि तीसरे वेब में जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, बच्चों के लिए मुश्किलात होंगी। उसको देखते हुए यूपी सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी, और उसी के मद्देनजर ये मेडिकल किट के वाहनों को मुख्यमंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और इसमें दवाइयां हैं जो हर जिले में जाएगी और वहां पर बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बच्चों के लिए मेडिकल किट वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया और वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वही आम लोगों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज जबरदस्त तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री आज वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे थे, तो वहां पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों ने जब मुख्यमंत्री को अपने बीच पाया तो उनमें खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सभी लोगों के पास आजकल हाथ में फोन है, फोन में कैमरा है, तो लोगों ने इस पल को अपने फोन पर अपने मोबाइल में कैद किया। इस दौरान कई लोगों को ये कहते भी सुना गया जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुखातिब हुए कि आज तक आपको टीवी पर देखा था, आज सामने आपको देख रहे हैं तो अच्छा लगा है,
सीएम योगी ने भी महिला का अभिवादन किया, जिस महिला ने, और ये देखिए सेल्फी ली जा रही है मुख्यमंत्री के साथ। जो लोग इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आए थे, रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं, जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, अलग से विशेष बूथ बनाए गए हैं, और इस बूथ का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री का क्रेज युवा वर्ग, महिलाओं और तमाम लोगों के बीच किस तरीके का है, उसकी एक वानगी ये तस्वीर है। और अमेठी से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर चंदा विवाद पर मोहसिन रजा ने कहा है कि सपा चाहती ही नहीं कि राम मंदिर का निर्माण हो। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मोहसिन रजा, जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो। सपा का एक वर्ग से संकल्प है, यानी कि उन्होंने सीधे सीधे मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, और इसके पीछे समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष, यानी कि मुस्लिमों की तरफ उनका इशारा था, मुस्लिम समुदाय की तरफ से, कि उनको प्लीज करना है, उनको खुश करना है, इसलिए राम मंदिर का निर्माण समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है। सपा ने तुष्टिकरण और सांप्रदायवाद की राजनीति शुरू की है। सपा की मंदिर और भगवान श्री राम में कोई आस्था ही नहीं है। भव्य मंदिर सपा को भा ही नहीं रहा है, इस तरीके का बयान मोहसिन रजा ने दिया है। इसके साथ ही एक बार फिर से पुरानी चीजों का उन्होंने जिक्र किया है कि समाजवादी पार्टी ने ही कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, तो वो लोग कैसे चाहेंगे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। तो ये तमाम आरोप मोहसिन रजा ने अमेठी में लगवाया है। अमेठी के दौरे पर हैं मोहसिन रजा, जहां पर उनसे राम मंदिर निर्माण को लेकर, जो ट्रस्ट और जमीन खरीद को लेकर विवाद हुआ था, उस पर उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा, तो इसका जवाब मोहसिन रजा दे रहे थे। समाजवादी पार्टी पर उन्होंने आरोप लगाया है कि समाजवादी पार्टी ये चाहती ही नहीं है कि राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या प्रकरण में वही लोग हैं जिन्होंने अब से 30 साल या 28 साल पहले 2000 या 1990 के अगर दशक में आप जाएं, तो एक पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, ये सब प्रायोजित था, और यही वो लोग हैं जिन्होंने तुष्टिकरण और संप्रदायवाद की राजनीति की। इन्होंने ही कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, क्योंकि इनका तो किसी से संकल्प है, किसी एक वर्ग के साथ में इन्होंने संकल्प लिया था, उससे प्रायश्चित किया था कि मतलब संकल्प लेकर ये कहा था कि हम राम मंदिर नहीं बनने देंगे। तो जब आज प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है, क्योंकि अदालत के न्यायालय के फैसले के अनुसार बन रहा है, हमारे देश के 100 करोड़ लोगों की आस्था का प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर, वहाँ उसका निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो वो समाजवादी पार्टी को भा नहीं रहा है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति इसी पर बेस थी कि वो एक समुदाय विशेष को खुश कर रहे थे और एक को नाराज़ कर रहे थे, नाराज़ नहीं कर रहे थे बल्कि एक को ये मैसेज दे रहे थे कि हम आपके साथ में हैं, ना हम मंदिर बनने देंगे, ना हमें इनकी आस्था और ना हमारा विश्वास है प्रभु श्री राम में। आज वही लोग फिर खड़े होकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। फिर वो अयोध्या की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें कभी भी प्रदेश की जनता से कोई मतलब नहीं रहा है। अयोध्या प्रकरण में वही लोग हैं। तो मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे। मोहसिन रजा ने समाजवादी पार्टी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। आप बढ़ते आगे यूपी की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने बसपा के बागी विधायकों से मुलाकात की है।
बसपा के बागी 9 विधायकों से अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बसपा के 9 विधायक पहुंचे थे और वहीं पर अखिलेश यादव से इन 9 बागी विधायकों की मुलाकात हुई है। तो बड़ी खबर आज की उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। और चलिए इस पूरे प्रकरण पर अश्विनी द्विवेदी की इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए आज एक बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि बसपा से जो 11 विधायक निकाले गए थे उसमें कई विधायक जो हैं इस समय समाजवादी पार्टी का जो दफ्तर है उसके अंदर मौजूद हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से सियासी समीकरण बिगड़ रहे हैं या बन रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तमाम जो बड़े नेता हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर लगभग लमसम अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार लगभग 6 विधायक अंदर पार्टी कार्यालय के हैं समाजवादी पार्टी के और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आखिर ये कब समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे और इनमें से कितने लोगों को समाजवादी पार्टी अब टिकट देती है। निश्चित तौर पर 2022 का चुनाव नज़दीक आ चुका है, ऐसे में सियासी समीकरण का बनना बिगड़ना उत्तर प्रदेश में लगा हुआ है। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार। न्यूज़ वन इंडिया से बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने कहा है कि हम अपना दल बनाएंगे, यानी कि उत्तर प्रदेश में एक नए दल की नींव पड़ेगी। बसपा के बागी विधायक हैं असलम रायनी, जिन्होंने कहा है कि हमारे नेता लालजी वर्मा होंगे और हम एक अलग से दल बनाएंगे। लालजी वर्मा जहां कहेंगे हम वहीं जाएंगे। अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है और ये मुलाकात सकारात्मक रही है। अपना अलग दल बनाने की हम कोशिश में हैं। बागी विधायक का ये भी कहना है कि बीजेपी से कोई संपर्क इन लोगों का नहीं है। बागी विधायकों की सदस्यता बचानी है तो हमारे साथ उनको आना होगा, क्योंकि यहाँ पर दल बदल वाला मामला बनता है। तो उन्होंने कहा है कि जो बागी इनके साथ संख्या बल है, एक दो लोग और जुड़ जाएंगे तो संख्या बल इनके साथ हो जाएगा। और चलिए असलम रायनी से जब हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी ने बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले आप सुनिए। हमारे साथ हैं बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी साहब, जो आज गए थे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिले हैं। क्या क्या बातचीत हुई सर आपकी? मैं 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक 1 बजे तक यहाँ लोक भवन में हूँ, लेकिन हमारे कुछ सदस्य जरूर मिलने गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जितना सम्मान अखिलेश यादव जी ने दिया है इतना सम्मान अगर वो 15 साल पहले पाए होते तो शायद वो उसी पार्टी में चुनाव लड़ते, लेकिन हम लोग एक दल बनाने की फिराक में हैं। नियमानुसार जब हम लोगों का एक दल बन जाएगा जिसमें अभी एक विधायक की संख्या कम पड़ रही है, जब हम लोग अपना विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को अपना नेता चुन लेंगे तब हम लोग जिस पार्टी में वो कहेंगे उस पार्टी से चुनाव लड़ा जाएगा। क्या माना जाए 11 विधायक तो है ना आपके पास में जो बाकी है? भाई अगर जिसको अपनी सदस्यता बचानी है तो निश्चित है कि वो हमारे दल में रहेगा और जिसको अपनी सदस्यता खोनी है वो हमारे दल में नहीं रहेगा। चुनावी वर्ष है तो अगर मान लीजिए अपना दल भी बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका समर्थन किसको होगा? हमारी स्थिति जो हमारे दल के नेता की जो डिसीजन होगा, अगर वो कहेगा कि कुएं में कूद जाओ जैसे मिलिट्री में एक नियम लागू होता है उस हिसाब से उस दल के नेता का हम लोग सम्मान करेंगे। तो क्या माना जाए अखिलेश यादव से जो आज मुलाकात हुई वो सक्सेस नहीं रही? ये तो हमारे साथियों का उनका व्यवहार बहुत पसंद आया है और अगर हमारे दल के नेता जो फैसला करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। बीएसपी के कई बड़े नेता पहले ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, उनकी पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, तो क्यों ना माना जाए चुनाव का समय है और आप लोग सीटिंग विधायक हैं, सपा को भी 9 विधायकों का फायदा होगा सीधे तौर पर अगर आप जाते हैं? जिस पार्टी में जाएंगे उसको जरूर फायदा होगा और कोशिश की जाएगी कि जो हमारे 12 विधायक हैं वो हमारे विधानमंडल दल के जो नेता चुने जाएंगे उनकी बात को हम लोग मानेंगे। बीजेपी में कोई विधायक है संपर्क में जितने भी विधायक इस समय? ऐसा कुछ नहीं।
बिल्कुल, ये हैं असलम रायनी जो कि बसपा के बागी विधायक हैं और अखिलेश यादव से आज मिले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि उनके नेता लालजी वर्मा होंगे, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो विधानसभा अध्यक्ष के पास आए हैं और उनसे बात करेंगे। उनका अगर दल बनता है, क्योंकि सदस्यता बचाने के लिए एक विधायक की और जरूरत है, विधायक मिलने के बाद जैसे ही दल बनेगा वो ये तय करेंगे कि वो किस पार्टी में जाएं, लेकिन ये निश्चित है कि बीजेपी में नहीं जा रहे हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात हुई है और निश्चित है मुलाकात सकारात्मक रही है, तो कहीं ना कहीं यह इशारा है कि समाजवादी पार्टी में ये विधायक जा सकते हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया। और चलिए आपको बताते हैं एक ग्राफिक्स के जरिए कि वो बागी विधायक कौन कौन हैं जिन्होंने बगावत का सुर अख्तियार किया। असलम रायनी विधायक हैं, भिनगा श्रावस्ती से आते हैं, ये जिनका अभी थोड़ी देर पहले आपको इंटरव्यू हम दिखा रहे थे। मुज्तबा सिद्दीकी प्रतापपुर इलाहाबाद, इलाहाबाद हांडिया प्रयागराज से हाकिम लाल बिंद, हालांकि थोड़ी देर पहले इन्होंने भी न्यूज़ ऑन इंडिया से बातचीत की जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी जो बात थी वो बड़ी गोलमोल सी थी। हरगोविंद भार्गव हैं, विधायक हैं सिधौली, सीतापुर जिले से आते हैं। असलम अली चौधरी धौलाना हापुड़, बसपा के बागी विधायकों की लिस्ट में इनका भी नाम है असलम साहब का। मुंगरा बादशाहपुर से सुषमा पटेल, न्यूज वन इंडिया के सवालों से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भागते नजर आए। हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी के सवालों से वो भागते नजर आए, जब अपने पर सवाल उठे तो बगैर जवाब दिए हुए राकेश टिकैत बचते नजर आए। भानु के आरोप पर टिकैत की सफाई आई है, हमारी बात कोई नहीं मान रहा है। राकेश जी आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, वो सीधा आपसे सवाल करेंगे। अरविंद जी ओवर टू यू। राकेश जी नमस्कार। राकेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आप एंकर मेरे से बात करेंगे तो जुड़ूंगा, तीसरा कोई याद नहीं बिछवाएगा तो मैं बात नहीं करूंगा। राकेश जी चैनल का ही हिस्सा है, चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मैं चैनल का मैनेजिंग एडिटर बोल रहा हूँ। राकेश जी आपने कंडीशन बात करी मेरे से कि मैं एंकर। राकेश जी, राकेश जी पहले बात सुनिए, राकेश जी, राकेश जी बात सुनिए, ये भागने की बात है। राकेश जी हमारा सीधा सवाल है कि आपका ये कहना था, आपका ये कहना था कि किसान आंदोलन में हम सबका साथ देंगे। राकेश जी आप कह रहे थे कि किसान आंदोलन में हम सबका साथ देंगे, भानु गुट भी किसानों का गुट है, किसानों के हित की बात करता है। चलिए बढ़ते आगे। कानपुर में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के पार्षद सदन में भिड़ गए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कानपुर के सदन की है, जहां पार्षद आमने सामने हो, बताया जा रहा है कि अर्पित यादव और राहुल देव आमने सामने हो गए। महापौर प्रमिला पांडे सभी लोगों को शांत कराने की कोशिश करती रही, लेकिन वहां पर किस तरीके का नज़ारा, किस कदर मंजर वहां पर देखने को मिला, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए शेड्यूल जारी हुआ है। 26 जून को प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख होगी, 26 जून को शाम के 3 बजे तक नामांकन पत्रों की जांच होगी, 29 जून तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और 3 जुलाई को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी, मतदान होगा। तो 26 जून से यह सिलसिला शुरू होगा और 3 जुलाई को वोटिंग होगी और 3 जुलाई को ही जब वोटिंग खत्म होगी उसके बाद काउंटिंग शुरू होगी, यानी कि मतगणना शुरू होगी। पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 26 तारीख को नॉमिनेशन फाइल होंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत के मामले को लेकर प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। प्रियंका ने अपने चिट्ठी में लिखा है कि प्रदेश में शराब माफिया और प्रशासन का गठजोड़ है,
और कानून का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मृतक परिवार को न्याय मिले इसलिए जरूरी है कि इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो मृतक पत्रकार हैं सुलभ श्रीवास्तव, उनके परिवार को स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार आर्थिक मदद करे। मोहाली में कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किट घोटाले के विरोध में अकाली दल ने मोहाली में विरोध प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के घर का घेराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के और माफ कीजिएगा अकाली दल के कार्यकर्ता उनके घर का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच में ही पुलिस ने उनको रोका है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर के घर का घेराव करने के लिए अकाली दल के कार्यकर्ता जा रहे थे तो पुलिस ने उनको बैरिकेडिंग करके वहां पर रोका है। और ये पूरा जो विरोध है वो किट घोटाले को लेकर है। पंजाब में कुछ दिनों पहले किट घोटाला हुआ था जिसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा विपक्षी पार्टियां मांग रही हैं और इसमें मुख्यमंत्री से सीधे सीधे इंटरवीन करने की मांग की जा रही है। और जो अकाली दल हैं शिरोमणि अकाली दल, उनकी तरफ से आज मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम था और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखिए इस कोरोना के काल में मोहाली में अकाली दल के कार्यकर्ता जुटे मुख्यमंत्री का आवास घेराव करने के लिए। मॉनसून की दस्तक के साथ ही मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट लगभग एक हफ्ते तक होने वाली बारिश के लिए है। लखनऊ और इसके आसपास के जिलों में बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में लगातार बारिश हुई है जिससे नौकरी और व्यवसाय करने वाले लोगों को काफी दिक्कत हुई है। इसलिए अगर आप आने वाले एक हफ्ते तक घर से बाहर निकलने से पहले थोड़ा एहतियात बरतें तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी यूपी में अगले एक हफ्ते तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। इसके साथ ही प्रदेश के बाकी हिस्से में भी हल्की बारिश होती रहेगी। वही लगातार एक हफ्ते तक होने वाली इस बारिश में बीच में कुछ समय के लिए बारिश के रुकने की संभावना है। इस बार के मानसून से जहां धान की खेती करने वाले किसानों को फायदा होगा, वहीं आम की फसल और फूल की खेती करने वालों को काफी नुकसान होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।